你要出门，都在啥都在。掉了。और इसके साथ ही लाउंज और डाइनिंग एरिया भी है। बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है और ये जो समंदर की लहरों की आवाज है ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग है। Assalamualaikum friends, welcome to my channel Sheena with Ali. आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत साहिली इलाका है और ये जगह पाकिस्तान के शहर कराची की बहुत ही खूबसूरत जगह मानी जाती है और साथ ही साथ ये टूरिस्ट और विजिटर्स की अट्रैक्शन भी है। हर रोज़ कराची से बड़ी तादाद में लोग हॉकते आते हैं और यहाँ पिकनिक मनाते हैं। तो जैसे ही बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हुई तो हमने भी सोचा क्यों ना समंदर की तरफ रुख किया जाए, तो इसलिए हम निकल गए आज बच्चों की सैर और तफरी के लिए। तो अभी हम जिस हट में जा रहे हैं ये हट काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और इसका बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस है। तो आज मैं आप लोगों को ये खूबसूरत सा हट दिखाने वाली हूँ और ये भी बताऊँगी कि हम लोग यहाँ पर कितनी देर तक स्टे करेंगे और क्या क्या एंजॉय करेंगे। आज हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और बस इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर हमारा आज का लंच और डिनर भी होने वाला है, तो उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की हुई हैं। तो ये सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी इसी वीडियो में। तो इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। हम लोग यहाँ पर तकरीबन सुबह मॉर्निंग में 11 बजे तक पहुँच चुके थे क्योंकि सुबह में जल्दी आने का ज़्यादा मज़ा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। आज हम जिस हट में पिकनिक मनाने आए हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि ये फुली वेल फर्निश्ड हट है और यहाँ पर तकरीबन 20 पर्संस की कैपेसिटी है जिसमें 2 ब्यूटीफुल बेडरूम्स हैं और साथ ही अटैच बाथरूम भी है। वैसे तो ये हट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन जो इसकी सबसे ख़ास बात है वो यहाँ का एनवायरनमेंट है। यहाँ पर जो एसी लगा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड कर देता है और ये है कि बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। और ये देखें साथ ही वॉशरूम भी है जो कि बहुत ही साफ़ सुथरे और अच्छे से बने हुए हैं। हेलो, आप मुझे देख सकते हैं मिरर में। तो इसके साथ ही जो है यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह भी हैं और वो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने नाइट स्टे करना होता है तो वो आसानी से अपना सारा सामान यहाँ पर रख सकते हैं। तो जी मैं इनके दूसरे बेडरूम में आ चुकी हूँ जो कि सिंगल बेडरूम है और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं एसी भी मौजूद है और काफ़ी अच्छा सा इन्होंने इस रूम को भी डेकोरेट किया हुआ है। तो चलें आगे चलते हैं और ये देखें ये दोनों कमरे आमने सामने हैं और इसके साथ ही लाउंज और डाइनिंग एरिया भी है। साथ ही देख सकते हैं आप बहुत ही एलिगेंट सी बालकनी भी मौजूद है। इस हट का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है, ये देखें आप सामने से समंदर नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा बीच व्यू है। और ये देखें ये सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने एक छोटा सा बात एरिया बनाया हुआ है जो कि जिसका रास्ता बाहर की तरफ से भी है तो यहाँ पर हम सिर्फ शावर ले सकते हैं। रोली पोली तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर लंच भी कर लिया है, लंच से फारिग हो चुके हैं, बीच पर जाने के लिए हम सब रेडी हैं तो चलें फिर चलते हैं।
अभी इस वक्त मैं हट की फ्रंट वाली साइड पर मौजूद हूँ। तो अभी पार्किंग के एरिया से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ स्टेयर्स हैं और उसके ऊपर जाकर हम लोग हट की बैक साइड पर जाएंगे। तो ये वाला रास्ता हमें डायरेक्ट समंदर की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले जो आपको ये दोनों साइड पर हट्स नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट और राइट वाला, तो इसका मैं आपको बताती चलूँ कि इन दोनों हट्स के दो दो फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो अभी मैंने आपको पूरा इनका ग्राउंड फ्लोर दिखाया है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इनका फर्स्ट फ्लोर भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पर उन लोगों को ज़रूर विज़िट करना चाहिए जो कराची के साहिली इलाकों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जिन लोगों को मेरी तरह बीच पर जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उन लोगों के लिए तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मुझे तो अब और इंतज़ार नहीं हो रहा और बहुत दिल चाह रहा है कि बस मैं नीचे चली जाऊँ। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, बादल आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि बारिश बस होनी ही वाली है। तो बारिश हो जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये देखें आप लोग, यहाँ से इन्होंने गेट बंद किया हुआ है, हालांकि यहाँ पर स्टेयर्स हैं नीचे जाने के लिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो अब हम जिस रास्ते से जाएंगे मैं आपको वो रास्ता दिखाती हूँ। हम लोगों को इस हट के फ्रंट साइड से बैक पर जाना होगा, तो वो जगह मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस रास्ते से हम लोग आएंगे और उसके बाद हम समंदर में नहा सकते हैं। तो जी ये छोटा सा रास्ता है इस हट के साथ जो, तो अभी हम लोग यहाँ से जो है वो इस रास्ते से नीचे उतरेंगे। ये देखें हमारे बिल्कुल साथ ही जो हट बना हुआ है उसका क्या हाल हो चुका है, पानी की वजह से पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ये हट जो है पूरा डैमेज हो चुका है, पूरा टूट चुका है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी भी वक्त इसका टेरिस नीचे आके गिर सकता है, इसलिए बच्चों को तो ख़ास तौर पर इससे दूर ही रखना चाहिए। पानी से डर लग रहा है। अब मजा आएगा, ऐसा खेलो। जबरदस्त से काले बादल आए हुए सारी तरफ, बस बारिश होने की देर है। ये पता नहीं क्या लॉजिक है, सात लहरें होती है, सात की लहर सबसे ज्यादा तेज होती है। अच्छा तो अब हम गिनती करेंगे लहरों को। चलो गिनती करते हैं। अब देखना दूसरी थ्री वाली तेज हुई और अब फोर शाम तक आ गई। हाँ बिल्कुल, आप देखना और ये आ रही है अब तेज फाइव, नहीं रुक गई है, ये टेढ़ी आ रही है सिक्स, और ये देखो ये ओ अल्लाह।
आई ना सातवीं सेटिंग गुम हो गई थी आँख में, जब नमक जाता है नमक वाला पानी आँखों में तो ऐसा हाल होता है। क्या हुआ? अच्छा ना चयान आंखें साफ करो बेटा, आंखें हाथ से उल्टे हाथ से कर लो, आंखें साफ करो और पानी मेरे ऊपर नहीं फेंको, उल्टे हाथ से करो। हाँ नहीं, सातवीं लहर का मजा है वाकई में। ये बैग जाने वाला था अभी, अल्लाह इतनी तेज जबरदस्ती लहर, कुछ नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। पोजिंग हो रही है, ऐसे लेटे हो, पानी का इंतजार कर रहे हो, अभी बहुत तेज आ जाएगा पानी, आएगा तो मैं अच्छी बात। अच्छा आयशा के पास आ जाओ, नहीं गिरोगी, पानी आओ, बहुत अच्छी लग रही है आयशा, पानी आ गया, आप पापा बता लेंगे आयशा को। तो अभी हम लोग वापसी हट की तरफ आ चुके हैं और सारे ही तकरीबन मिट्टी और पानी से भीगे हुए हैं, तो अभी हम लोग जो है वो आउटसाइड वाले शावर की तरफ जाएंगे और वहां से शावर लेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है कि बाहर से ही आप शावर यूज़ करें तो सारी मिट्टी वगैरह सब निकल जाती है। तो वापसी आकर हम लोगों ने चाय और समोसे वगैरह इंजॉय किए अपने, और अब जो है वो हमारा डिनर टाइम स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, तो फिर उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो आज का डिनर हमारा बारबेक्यू है और बीच पर बारबेक्यू करने का तो अपना ही मज़ा होता है। तो सारी तैयारी हो चुकी है और अभी मैं बाहर की तरफ आई हूँ, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को शाम का टाइम दिखाती हूँ, तो ये अंदर से जो है वो सारी लाइटिंग ऑन है और मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाती हूँ, चेक करें। शाम के टाइम पे तो और भी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है और आसमान और जो समंदर है वो ब्लू पिंक और ग्रीन हर तरह के रंग बदल रहा है, तो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है। और ये जो समंदर की लहरों की आवाज़ है ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया मैंने, मेरी फैमिली ने। तो अब जाने का टाइम आ गया है, तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।